Socialist is brought to you by Coin DCX Go. Download the app now. इस पर बिटकॉइन लिया क्या a... Coin DCX, Go डाउनलोड करो सौ रुपए का फ्री बिटकॉइन enjoy करो सोचो मत, डाउनलोड करो कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं पूरा एक बिटकॉइन हाय मेरा नाम है आशीष आप देख रहे हैं दी ललन एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट सबसे पहले बात आज के शो में क्या है खास मन की बात में प्रेरक कहानियां मंगाई जा रही थी ट्रोल हो गए ये कौन सी नई क्रिप्टो करेंसी है जिसको डॉज कॉइन का किलर कहा जा रहा है क्या पप्पू यादव को एम्बुलेंस उजागर करने की सजा मिल रही है और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे आपको कोरोना से बचने के एक सुपर जुगाड़ के बारे में लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार वायरल है वीडियो ओडिशा का इंडिया टुडे के पत्रकार आशीष ने डाला वहां से वायरल हो गया कई बार नाम अच्छा हो तो भी बहुत सी चीजें सही हो जाती हैं लेकिन वीडियो में जो दिख रहा था वो कतई सही नहीं था गंजम जिले की बात है एक गांव में कलश यात्रा निकल रही थी और सैकड़ों की भीड़ मंदिर जाती नजर आ रही थी लोग पूछते मिले भगवान के जिंदगी के ऊपर हैं कुछ कोसते मिले कुछ कहते मिले इस देश में एक वैक्सीन अंधविश्वास अंधश्रद्धा और पाखंड की भी बननी चाहिए जाने किस घड़ी में मेरे मुंह से निकल गया था कि वायरल वीडियो का ठेका लगता है एमपी ने ले रखा है और जाने किस घड़ी में मेरे मुंह से निकल गया था कि पुलिस वालों के हाथ पैर आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगे हैं एक बार फिर एमपी के शहडोल के पपोध से एक वीडियो आया है जिसमें एक पुलिस वाला एक गांव वाले को जमीन पर पटके हुए है खबरें आई कि सत्येंद्र नाम के इस आदमी को लात घूसे से मारा जा रहा था दिखता है वीडियो में कि उसके गले में गमछे का फंदा डालकर घसी पीटा जा रहा है पीटा जा रहा है वीडियो हफ्ते भर पुराना है अब वायरल है बाद में एक्शन लिया गया एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड पुलिस वाले के खिलाफ नहीं सुनील शेट्टी की पिक्चर थोड़ी चल रही है मार खाने वाले के खिलाफ एक्शन लिया गया धारा एक सौ इक्यावन लगाई गई पुलिस से बदतमीजी के आरोप लगे कहा गया कि बंदा अपराधी प्रवृत्ति का है पिटने वाले का कहना है कि मैं तो बस गेहूं लेके खरीदी केंद्र जा रहा था बीमार भैंस की दवाई भी लेनी थी कुल मिलाकर खटिया खड़ी बिस्तरा गोल तब जस्टिस चला शहडोल वाला मामला हो रखा है लॉकडाउन में ठेके खुले मीम्बर से आदेश आया कि यूपी के नोएडा में 10 बजे से 7 बजे तक शराब और बियर की दुकानें खुलेंगी इस आदेश से एक बार फिर से दो चीजें स्पष्ट होती हैं। पहला कि शराब और बियर अलग होते हैं और दूसरा ये कि सरकार के खजाने से जुड़ी बात है कई जिलों में डीएम के आदेश पर शराब की दुकानें खुल गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग को गमों की तरह भुलाया जा रहा है लोगों ने लिखा कपड़े की दुकान बंद है दारू का ठेका चालू है बंदा शादी में कपड़े पहनकर जाएगा या दारू पीकर? कोई कहता मिला दारू नहीं है दवा है लोग चिंता जताते मिले कि ठेके खुले और बस दुकान के बाहर मेला लग गया है न मास्क न दूरी पीने की ऐसी क्या है मजबूरी यही हालात रहे तो कोरोना को फैलने से कैसे रोका जा सकता है कुछ बोले शराब यूं ही बदनाम है जबकि शराब के भरोसे ही देश चल रहा है ट्विटर पर ट्रेंड होता नजर आया मन की बात 30 मई को प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे एक बार फिर से सकारात्मकता की बात करेंगे मन की बात अपडेट्स के ट्विटर हैंडल हाँ मन की बात का खुद का ट्विटर हैंडल है वो भी वेरीफाइड वहां से एक ऐसी बात लिखी गई जिसके बाद ये ट्रेंड चल पड़ा उत्सव की फील के साथ ये ट्वीट आया लिखा क्या था उसमें लिखा था 130 करोड़ भारतीयों की पॉजिटिविटी की पावर और स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करने के लिए मन की बात होगी आप भी अपनी इंस्पायरिंग कहानियां बताएं सही बात है मोदी जी पॉजिटिव तो बहुत हैं लोग घर तमाशा जैसी कहावतें देने वाले देश ने जब प्रेरक प्रसंगों का आह्वान सुना तो अपनी राम कहानी लेकर पहुँच गए लिखा यहाँ एक पॉजिटिव स्टोरी है पाँच लोगों का परिवार था पति पत्नी पेरेंट्स और बच्चा सारे वयस्क कोरोना से बहुत पॉजिटिव हो गए सारे मर गए पीछे छह साल की बच्ची को छोड़कर बहुत ज्यादा कोरोना पॉजिटिविटी है हर ओर किसी ने लिखा हाँ सर एक काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे पीएम बहुत बेफिक्रे टाइप इंसान हैं सिटीजन्स की कोई फिक्र नहीं है कोविड की सेकेंड वेव की कोई तैयारी नहीं की और ना पब्लिक के लिए वैक्सीन का ऑर्डर दिया जनता ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड के लिए त्राही त्राही कर रही है आपको मिलना चाहिए उनसे लोगों ने कहा इसको भी शामिल करिएगा तीस मई आने में अभी उन्नीस दिन बाकी है और प्रचार शुरू है क्या ये थिथराई नहीं है बेशर्मी निर्लजता नहीं है गंगा में तैरती लाशों पर बोल सकेंगे आप सेंट्रल विस्टा पर भी चुटकी ली गई कि सर एक सजेशन है कि बंगले में वाइट टाइल्स लगवाइएगा कुछ ने स्ट्रेंथ की स्पेलिंग पर आपत्ति दर्ज की कहा देयर इज मिस्टेक इन स्पेलिंग स्ट्रेंथ्स काइंडली करेक्ट इट एज एस टी आर ई एन एच एस जिसको पता है उसको पता है आगे बढ़ते हैं धन की बात करते हैं रिसेंटली हमने डॉज क्वाइन की बात की थी और जैसा कि कोई महान आदमी कह गया है कि जैसे कुत्ता कुत्ते को काटता है जैसा लोहे लोहे को काटता है वो ऐसा कुछ क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सच में हो रहा है डॉज क्वाइन कुत्ता उसकी काट आ गई है डॉज क्वाइन किलर कहा जा रहा है इसे और इसका नाम है शिबा इनु क्या है ये मामला आइए बताते हैं शिबा इनु क्वाइन माने शिब क्रिप्टो करेंसी मार्केट की लेटेस्ट डिजिटल करेंसी अभी कल ही रिसेंटली बिनांस पर लिस्ट हुई और पहले ही दिन इन्वेस्ट करने वालों को 70 परसेंट से ज़्यादा रिटर्न देकर छा गई हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें और इलान मस्क का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता चार दिन पहले मस्क ने भी ट्वीट किया था कि आई एम लुकिंग फॉर अ शिबा पप

कैप्टन अमेरिका दिखाया गया जो ऑन योर लेफ्ट सैम को पीछे छोड़ देता है जिन लोगों ने अपने शिप पहले ही बेच दिए उन्हें इडियट के के, मीम्स के जरिए उनका मजाक उड़ाया गया ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था रिलीज पप्पू यादव पप्पू यादव पूर्व सांसद रिसेंटली उन्हें आमनौर में राजीव प्रताप रूड़ी के दफ्तर से ढेरों एम्बुलेंस उजागर की और चर्चा में आ गए चर्चा में फिर आए जब गिरफ्तारी हो गई और चर्चा में तो वैसे भी थी क्योंकि जब वो उनकी बात आई थी कि एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं हैं इसलिए एम्बुलेंस खड़ी थी तो उन्होंने सत्तर ड्राइवर खड़े कर दिए अब कहा गया कि उनने कोविड उन्नीस के नियमों का प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है जिस कारण उनकी हो गई गिरफ्तारी फेसबुक से लेकर ट्विटर तक उन्हीं के आज चर्चे रही खुद पप्पू यादव के ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट आए कि कोरोना काल में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख के अगर जूझना अपराध है तो हाँ मैं अपराधी हूँ पीएम साहब सीएम साहब दे दो फांसी या भेज दो जेल झुकूंगा नहीं रुकूंगा नहीं कहीं लिखा इतिहास माफ नहीं करेगा कहीं लिखा सरकारों को कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए तो पप्पू यादव से लड़ रहे हैं तो कहीं लिखा अभी मेरा टेस्ट हुआ कोरोना निगेटिव आया आप पॉजिटिव करके मारना चाहते हैं लोगों में संदेश गया कि एक आदि

सत्तासीन लोगों से कुछ और नहीं हो पा रहा है तो कम से कम बैठकर जनता के लिए डूज एंड डोंट्स का क्लियर कर दो के में पाँच करोड़ जीतकर चर्चा में आने वाले और हर दूसरे तीसरे महीने अपने दिवालिया हो जाने की झूठी खबरों से वापस चर्चा में आ जाने वाले सुशील कुमार लिखते मिले पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी से वो और हीरो बनकर उभरेंगे और जो नहीं जानता है वो भी रूढ़ी जी के महान कार्यों से अवगत होगा राजनीति में गिरफ्तारी से आदमी और हीरो बनकर उभरता है ये बात सभी नेतागण जानते हैं बावजूद इसके अपने प्रतिद्वंदी को गिरफ्तार करवाने से नहीं चूकते सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ़ द डे की और पिक ऑफ द डे में आज आपको दिखाएंगे एक मजेदार सी तस्वीर सावधानी सतर्कता सुरक्षा करके ये फोटो फेसबुक पर अपलोड हुई हमने देखी हमको बड़ी पसंद आई हमको लगा कि आपको भी दिखाते हैं नज़र ये आता है दूध वाली गाड़ी है और लंबी सी पाइप लगी है एक तरफ से दूध डाला जा रहा है भैया दूध डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से भाई साहब अपना दूध ले रहे हैं सुरक्षित दूरी है कोरोना से बचाव है एम पी जीरो नाइन गाड़ी का नंबर था तो हमको मतलब ऐसा लगा हमको कि एम पी जीरो नाइन गाड़ी का नंबर है इंदौर की ये गाड़ी हो सकती है इंदौर का ये जुगाड़ हो सकता है आपको इस इंदौर जुगाड़ के साथ छोड़े जाते हैं कल फिर भी लेंगे तब तक के लिए टाटा